नौकरी तो रही नहीं, रोजगार रहा नहीं, मजदूर को मनरेगा में नौकरी मिल नहीं पाई, दिहाड़ी चली गई, तो लो भैया पैसे, और कुछ तो कर नहीं पा रहे, 35 किलो अनाज ले लो। वो भी धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे, चुनाव आयोग के अधिकारी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप लोगों ने कितने रोजगार दिए 5 साल में? राकेश मैं एक फाइनल आंकड़ा चाहता हूँ, कभी वो 4 लाख आता है, कभी विधानसभा में 6,65,000 बताया जाता है। अभी नहीं लग रहा है कि अब इज्जत कैसे बचाई जाए, कैसे अर्धशत तक पार कर लिया जाए, कैसे पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतने तक ही मेंटेन कर लिया जाए, इसलिए आखिरकार इनको नया दांव खेला है। अभी कह रहे थे कि हमने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में कहा है, झूठ, सरासर झूठ, कभी नहीं कहा समाजवादी पार्टी ने, अब कहना शुरू किया क्योंकि इनको लग रहा है कि अब कोई दांव बचा नहीं है, कोई स्थिति बन नहीं रही है, समाजवादी पार्टी की बुरी स्थिति हो रही है। लेकिन मैं याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है। समाजवादी पार्टी के शासन काल में 40 लाख ऐसे राशन कार्ड बने हुए थे जो फर्जी थे, जिनको उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमने रद्द करने का काम किया। इन राशन कार्डों के नाम पर नेताओं की तिजोरियों में रुपया पहुंच रहा था, वो राशन घरों तक नहीं पहुंचता था। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, फरुखाबाद की कायमगंज तहसील, जहां पर साहबगंज एक गांव है, सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर, जैकलिन फर्नांडिस के नाम पर, रानी मुखर्जी के नाम पर राशन पहुंच रहा था हर महीने बाकायदा। हमारी सरकार आने के बाद हमने रोकने का काम किया। देश में सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में हुआ, बांग्लादेश तक भारत का, उत्तर प्रदेश का अनाज पहुंच जाया करता था। तो जिन्होंने अपने शासन में रहते हुए गरीब की कुटिया तक अनाज पहुंचाया नहीं, उनके 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 पेट भरने की कोशिश की नहीं, सब अपने पेट तक पहुंचा लिया। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी इज्जत बचाने के लिए वहां तक पहुंच रहा है। एक मिनट, ये इज्जत बचाने के लिए घोषणाएं कर रही है, तो ये 3 नवंबर को क्या आपने भी इज्जत बचाने के लिए 5 किलो अनाज जो एक परिवार को मिल रहा था प्रति व्यक्ति के लिए घोषणा कर दी, उसे 35 किलो कर दिया और साथ में तेल भी, जिस तेल की कीमत 80 रुपए के बजाय 225 रुपए हो चुकी थी, नवंबर का भी आंकड़ा यही था, और उसके साथ चीनी और नमक देने की घोषणा की। आप भी इज्जत बचाने के लिए यह करना पड़ा क्या कि बहुत मर गया, बहुत पिट गया आम आदमी, नौकरी तो रही नहीं, रोजगार रहा नहीं, मजदूर को मनरेगा में नौकरी मिल नहीं पाई, दिहाड़ी चली गई, तो लो भैया पैसे, और कुछ तो कर नहीं पा रहे, 35 किलो अनाज ले लो, दाल रोटी खाओ, योगी के गुण गाओ। ये सतीश जी, ये अनाज बांटने की स्कीम उत्तर प्रदेश ने नहीं शुरू की, ये अनाज बांटने की स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ नागरिकों तक पहुंची। 80 करोड़ लोग गरीब हैं देश में, 5 किलो अनाज ना मिले तो उनका काम नहीं चलेगा। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया ने कोरोना नाम की एक महामारी की त्रासदी को झेला है, और ऐसे समय में जब पूरे देश भर में, दुनिया भर में लॉकडाउन लग रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के घरों तक उनके चूल्हे की आग ठंडी ना होने पाए, उनके घरों में पेट की भूख से बिलखते हुए बच्चे ना रहे, इसके लिए सबके घर तक राशन उसे रोक दिया ना केंद्र सरकार ने, दूसरी लहर आई फिर चलाना पड़ा, फिर वो रोक देंगे, आप 31 मार्च को रोक देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो 5 साल और देंगे, गूंज किसकी ज्यादा हो रही है फिर? मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर इस समय भी चल रही है और अभी भी उद्योग धंधों से लेकर के रोजगार पर अभी भी कोरोना का प्रभाव है, जीडीपी पर अभी भी कोरोना का प्रभाव है, और जब तक कोरोना का प्रभाव रहेगा तब तक सवाल ही नहीं उठता देश की सरकार, सवाल ही नहीं उठता। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये अन्न योजना रोकेगी नहीं, ये जारी रहेगी 31 मार्च 2022 के बाद भी? बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक इसके आकलन नहीं आ जाएंगे कि गरीब के लिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तब तक ये योजना जारी रहेगी। तो 15 करोड़ छोड़िए, आप देश की बात अभी छोड़ते हैं, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मुफ्त का राशन ना मिले तो उनकी रोजी रोटी, उनका जीना मुहाल हो जाएगा। नहीं, फिलहाल ये हालात है, आज की परिस्थितियां तो इस प्रकार की है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कितने दिनों तक रहेगा, कितने महीनों तक रहेगा, ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, हम अभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले तक रैलियां नहीं कर पा रहे थे, आप भी जानते हैं वर्चुअल रैलियां हमको करनी पड़ रही थी पिछले 20 दिन पहले से, अभी हमारे तमाम कार्यक्रम इस वजह से रुक रहे थे क्योंकि इतनी कम नहीं होती आम आदमी की राकेश, ये तो रैलियों पर पाबंदी 8 जनवरी को जब चुनाव की तारीखों की घोषणा की चुनाव आयोग ने लगाई, वो भी धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे चुनाव आयोग के अधिकारी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे नवंबर दिसंबर और 8 जनवरी तक
रैलियों का तांता लगा हुआ था। तो ये तो मुझे समझाइए मत कि रैलियां नहीं हो रही थी और ओमिक्रोन का बड़ा प्रभाव था। प्रभाव था, पाबंदियां थी, रैलियों पर, जमावड़े पर, सरकारी कार्यक्रमों पर कोई पाबंदी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पाबंदियों के साथ ही कार्यक्रम हो रहे थे, नियमों के साथ कार्यक्रम हो रहे थे, कोरोना बिहेवियर का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होते हैं। और उसके कारण समस्याएं अभी भी लोगों की हैं, और जब तक समस्याएं होंगी तब तक सरकार समाधान के रूप में चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। हम गरीब परिवारों के साथ उनके घरों में अनाज मुहैया होता रहे, 35 किलो अनाज। और तो गरीब परिवारों के पास अनाज, एक मिनट सुनिए ना, गरीब परिवारों के पास अनाज तो मुहैया होता रहे। 594 का सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिसके चलते महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। तो मतलब घर में दाल और चावल गेहूं तो हैं, पकाएं कैसे? ये भी समस्या तो कहीं और भी जुड़ी हुई है ना। अब मैं बता दे, देखिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भी 12-12 रुपए की कटौती उत्तर प्रदेश में करने का काम किया है, और सरकार ने 1-1 हजार रुपए आज पेंशन के रूप में, चाहे वो वृद्धावस्था की पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगों की पेंशन हो, जो 300 रुपए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दी जाती थी और वो भी लाभार्थी, सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती थी, उसको हमने बढ़ाकर के 1000 रुपए तक करने का काम किया है, जो उनके खातों तक पहुंच रही है। आज किसानों के लिए खाते में किसान सम्मान निधि के नाम पर 6000 रुपया वर्ष में खाते में पहुंच रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार ने विभिन्न माध्यमों से 6000 रुपए दे दिए, डीजल के दाम, उनकी लागत कितनी बढ़ गई उसका संज्ञान लेते नहीं है। 27 रुपए प्रति किसान की आय, प्रतिदिन किसान की आय है, एमएसपी उसे मिलती नहीं। आपके यहाँ मक्का भी होता है, मक्के के ही उदाहरण दे दूं, 1850 रुपए उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बिकी वो 800 रुपए में, 850 रुपए में। तो 6 क्विंटल मक्का बेचने में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो सफाया हो गई, गलत कह रहा हूं क्या? देखिए संदीप जी, जब आप किसानों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैं पांचवें चरण को जोड़ करके बता रहा हूं। पांचवें चरण में कल मतदान होगा बहराइच में, मतदान होगा कल श्रावस्ती में, मतदान होगा कल गोंडा में। और हाँ, सरयू नहर परियोजना का अभी 42 वर्षों से जो लंबित थी उसका अभी लोकार्पण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 25 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी इस सरयू नहर परियोजना से। 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में साल बाद भी आपको संभावनाओं की, 7.5 साल केंद्र में, 5 साल राज्य में, उसके बाद भी संभावनाओं की बात करनी पड़ती है। वर्तमान की बात कभी नहीं होती, या तो अतीत या भविष्य। देखिए बिगड़ी हुई परिस्थितियों को हमने बदलने का काम किया, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ हम ही ने माफ करने का काम किया है। आज गेहूं की खरीद जो 7 लाख मीट्रिक टन अखिलेश यादव जी ने की थी उसको 57 लाख मीट्रिक टन लेकर के हम ही गए हैं। हमने आज एमएसपी पर खरीद भी ज्यादा बढ़ाई है, बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना के तहत आज फसलों के दाम ओपन मार्केट में बेहतर मिल सके ये व्यवस्था भी ठीक सुनिश्चित की है। धान के क्रय केंद्र ज्यादा से ज्यादा लग सके इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री जी ने की है। तो मतलब मैंने शब्द इस्तेमाल किया राकेश, आम आदमी को राजनीतिक भीख दे दी जाए, है ना, और वो खुश रहे और बटन दबा दे, खेल यहां आ गया सभी राजनीतिक दलों का। नहीं, मैं इसको भीख नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ये जरूरतमंद की ऐसे समय में जब उसको जरूरत की आवश्यकता है, सरकार जरूरत करने के लिए है। सरकार का काम वेलफेयर स्टेट के नाते लोगों के साथ खड़े रहने का है, और सरकार रोजगार मिलना चाहिए ना आम आदमी को। रोजगार को लेकर मैं कंफ्यूज हूं, आप लोगों ने कितने रोजगार दिए 5 साल में? राकेश मैं एक फाइनल आंकड़ा चाहता हूं, कभी वो 4 लाख आता है, कभी विधानसभा में 6,65,000 बताया जाता है, घोषणा पत्र में, आप ही के घोषणा पत्र में वादा था 70 लाख रोजगार का। रोजगार कितने दिए गए 5 साल में? देखिए संदीप जी, रोजगार और सरकारी नौकरी, इन बातों को अगर भिन्न रूप से आंकड़ा, सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर कितने रोजगार दिए गए? देखिए मैं आपको इसको क्लासिफाई करके अलग अलग आपको बता दे रहा हूँ। 4.5 लाख सरकारी परमानेंट नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश में हमने किया है, और लगभग 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की सरकारी विभागों में नौकरियां देने का हमने काम किया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया हमने मुद्रा लोन के तहत लोन देकर के लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किया। विधानसभा में 6,65,000 का आंकड़ा दिया गया था ना सरकार की तरफ से? नहीं, ये दोनों मिलाकर के बताए। अच्छा, ये दोनों मिलाकर के बताए हैं, और 4,55,000 आपने बताई और 3 लाख, तो वो तो 7.5 हो जाता है, 6-55 की बात। ये आंकड़े बढ़े हैं,